हेलो, वेलकम बैक टू जंक टू ब्यूटी। और आज हम क्या बनाने वाले हैं? उस चीज को डेकोरेटिव मटेरियल जो कि हम लोग आजकल बहुत यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हम सबसे ज्यादा आजकल फेंक रहे होंगे और सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे? गेस। हम बहुत ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं आजकल? फेविक्रिल और एनी एक्रेलिक कलर बॉटल्स, है ना? बहुत कलर्स यूज कर रहे हैं हम, और जब ये खत्म हो जाती है हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन आज हम इसका क्या बनाने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि हम इसका क्या बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए खाली बॉटल और मुझे चाहिए टूथपिक और मुझे चाहिए कोई भी क्ले, चाहे आप मोल्डेड ले लो, चाहे आप पेपर मैशी ले लो, चाहे आप पेपर क्ले ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको लेनी है एक कैंडल और साथ में हमें लेना है, यू ये कैंडल लिया और साथ में हमने एक ली पिन। ठीक है, पिन जो है पिन को हम गरम करेंगे, बहुत तेज फैन चल रहा है। हम इस पिन को गरम करेंगे और इसके सेंटर में एक मिनट, ये भी बहुत ज्यादा हवा चल रही है। हम इस पिन को गरम कर रहे हैं और उस पिन को हम इधर सेंटर में लगा, ऐसे हमें होल करना है। एक बार और कर लेते हैं, तो इसी से कर लेते हूँ थोड़ा सा। और इस होल के अंदर मैं ये टूथपिक डाल दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम सिजर्स से कर लेते हैं। ये वाला पार्ट बच्चे अपनी मम्मी के साथ करेंगे, किसी भी एल्डर सुपरविजन में। ठीक है, और इसके अंदर मैंने टूथपिक डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक ये पार्ट। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे थोड़ा फेविकॉल, हमने लिया फेविकॉल और किसी भी ब्रश की हेल्प से हम पूरी जगह पे फेविकॉल लगा देंगे। ठीक है, पूरा इसको हम कवर कर लेंगे फेविकॉल से। ठीक है, यहां तक अभी मैं साइड पे रखती हूँ और मैं ले रही हूं पेपर मैशी क्ले। ठीक है, थोड़ा सा लिया मैंने ये पेपर मैशी। आप कोई भी क्ले यूज कर सकते हो आप इधर, और क्ले यूज करने के साथ मैंने आपको बोला था थोड़ा सा क्रीम जरूर लगाए हाथ पर, अदरवाइज ये स्टिक हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने इधर लिया और किसी भी चीज से मैं इसको मैं रोल कर दूंगी। ये रोल इससे नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रश लेती हूँ और उससे इसको थोड़ा सा फ्लैट करूंगी, थोड़ा सा इस तरीके से। हमें एक चपाती की तरह इसको रोल करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा पतला नहीं, बहुत ज्यादा मोटा नहीं। अभी मैं दिखाऊंगी क्या थिकनेस चाहिए हमें। ये ऐसी चीज है जो कि बच्चे भी बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।
ये हमारी थिकनेस रहेगी, ना बहुत ज्यादा पतला ना बहुत ज्यादा मोटा। अब हम इसको इधर इसके आसपास हम लगा देंगे। ओके, और जो एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। ठीक है, लाइक दिस। और आपको पता है एयर ड्राई क्ले को साथ के साथ पॉलिथिन के अंदर रखना होता है। मैं उसको साथ के साथ रख दिया मैंने। और इधर मैं थोड़ी सी फेविकॉल ऊपर थोड़ी सी और लगाऊंगी। और इसको मैं इस तरीके से करूंगी कि ये एक अच्छे से पूरे उसमें इक्वल आ जाए। देखो जो एक्स्ट्रा है वो निकल रहा है यहाँ पर, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी दबा दूंगी और ऊपर वाला ये एक्स्ट्रा निकाल दिया। मुझे अभी सिर्फ जो है ऊपर के पार्ट को जितना मेरा बॉटल है उसको मुझे कवर करना है। ठीक है, और इतना कर दिया। और ये एक्स्ट्रा जितना है ये मैं अभी कट कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से मैं कर लूंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्मूथ करने की जरूरत है तो हल्का सा, जैसे मेरे को लग रहा है कि क्रीम की वजह से ना काफी स्मूथ अपने आप हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हल्का सा स्मूथ करने की जरूरत है तो हाथ को गीला किया और जहां जहां पर लग रहा है आपको कि स्मूथ करने की जरूरत है तो वहां वहां पर हल्का हल्का पानी का हाथ लगा दिया और ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो बची है और थोड़ी सी और लेंगे, थोड़ी सी इतनी सी ले ली, और इसको हम अच्छे से सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा फ्लैट किया, हल्का सा इस तरीके से बनाया इधर तक, और इधर फेविकॉल लगाया और इसके अंदर यूं डाल दिया। ठीक है, और इतना पार्ट करने के बाद आपको इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो आपके लिए मैंने पहले ही बना के रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये दो मैंने पहले से ही बना के रखे हैं, ये थोड़े बहुत हार्ड हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मेरे बन चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, देखो इस तरीके से ये मेरे मुंह बने हुए हैं, ये दो रेडी हैं। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ये है शू लेस। ठीक है, ये मेरे पुराने एक शूज में से निकला है, तो मैं इस तरीके से इसको विद द हेल्प ऑफ कटर मैं इसे कट कर लूंगी। दो इक्वल चाहिए मुझे, इस तरीके से किया, ये निकला एक के लिए और एक और बनाया दूसरे के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ गए। मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरे पास ये दो रेडी हैं, मेरे पास बेस और साथ में ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम थोड़ी सी क्ले लेंगे, थोड़ी सी क्ले लेंगे हम, और इसको हम इक्वल इक्वल, थोड़ा पीछे करती हूँ, हम इक्वल इक्वल
बॉल्स में हम इनको ले लेंगे। हमें चाहिए 4 इक्वल बॉल्स। दोबारा से करती हूँ। वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। अब वन कॉर्नर पे हम फेविकॉल लगाएंगे और ये जो है इसको हम अच्छे से पहले सर्कल बनाएंगे, थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और उस फ्लैट के अंदर हम ये इसको डाल देंगे और ये इस तरीके से बन गया। और मैंने आपको बताया ही है कि आप थोड़ा सा वाटर का हैंड लगाकर आप इसको स्मूथ कर दो। तो ये हमारे शूज बन रहे हैं। अभी आपको समझ आया है मैं बनाना क्या चाह रही हूँ? इस तरीके से मैंने बना दिया। सिमिलरली इसको भी मैं यूं गोल करूंगी, फ्लैट करूंगी, एक साइड को इसमें लगाया और इस तरीके से दबाया और इसको मैंने रोल कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा पेपर मैशी है, पेपर मैशी ड्राई हो जाता है। तो अगेन फिर से हम हाथ गीला करेंगे और इस तरीके से उसको स्मूथ कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से शूज बन गए इसके, 2 इक्वल शूज बन गए। इस चीज का ध्यान रखना कि दोनों शूज इक्वल बने। तो ये एक पेयर बन गया हमारा। इसी तरीके से हम दूसरा पेयर भी बना लेते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा पेयर भी बना लिया। देखो क्योंकि अभी ये हवा में रखा हुआ है तो ये ड्राई हो रहा है। अगर आप मोल्डेड से काम करोगे तो आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जंक टू ब्यूटी तो क्या है, जंक टू ब्यूटी सब कुछ रिसाइकिल करते हैं। तो ये जो क्ले है, ये क्ले भी जो मैं बनाती हूँ वो मैं न्यूज़पेपर से बनाती हूँ। तो एक शूज हमारे ये रेडी हो गए और एक पेयर हम और बना देते हैं इस तरीके से। देखो करना कुछ भी नहीं है ज्यादा, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि बराबर बराबर हो। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बोला, आर्ट आपको खुशी देने के लिए, सही गलत के लिए नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो आपसे बेस्ट होता है, वो बेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से देखो ये हमारे 2 पेयर्स हमारे रेडी हो गए, ठीक है। इस तरीके से ये रेडी हो गए ऐसे, ओके डन। अब हम क्या करेंगे, एक को हम लड़का बनाएंगे और एक को हम लड़की बनाएंगे। तो हमने और क्ले ली। आपको ये पेपर मैशी क्ले में ये से फाइबर दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारा, मैंने ये ज्यादा मैंने पेपर क्ले से, मतलब आप इसको समझ सकते हो पेपर क्ले ही है, मैंने बहुत ज्यादा इसके अंदर पेपर पल्प यूज किया है। और जब ये बन जाता है ना, ये बहुत ही रॉक सॉलिड हो जाता है। इस तरीके से सर्कल लिया मैंने और इसको मैंने इधर की तरफ देखा, यूं करूंगी मैं।
अब मैं क्या करूंगी, आई टेक अ कटर, मेरे पास इधर कटर पड़ा था वो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम सीजर्स लेते हैं और इस तरीके से करना है हमें, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, पता चला आपको क्या बना ये हमारा, ये शॉर्ट्स बन गई, ठीक है। और एक हम पेंसिल ले लेते हैं, पेंसिल ले लेते हैं और इस पेंसिल को हम पानी में डिप करके इसके अंदर टू होल्स बनाते हैं, ठीक है। ये होल्स हमने क्यों बनाए हैं अभी मैं बताती हूँ आपको। अब इनको फेविकॉल लगाएंगे हम, देखो फेविकॉल लगाएंगे और इसके अंदर डालेंगे और उसे ऐसे बंद कर देंगे। फिर एक और करेंगे इस तरीके से और इसके अंदर किया और इसको यूं बंद कर दिया, क्या इस तरीके से। अभी ये फाइनल नहीं है, अभी इसमें बहुत काम है अभी, कि कहीं आपको लगे ये शॉर्ट्स तो बन गई, ये शॉर्ट्स अभी नहीं बनी है। अब हम फिर से इनको स्मूथ करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इनको इक्वल करें, ठीक है। अब देखो ये अनइक्वल हो गया है ना, तो उस अनइक्वल को मैं कैसे कट करूंगी, जस्ट अ मिनट, मेरे को ढूंढना है मेरे पास कटर, अरे आपके पास कटर नहीं है ना, तो मैं तो मेरे पास पुराना क्रेडिट कार्ड पड़ा है उसके साथ भी यूज कर लेती हूँ। पीछे से एक्स्ट्रा कट कर दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे और ट्राई करेंगे कि दोनों हमारी इक्वल ही बने। देखो अभी मेरा नहीं बन रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी इसको, मैं दोबारा से इसको लूंगी। देखो मैं अभी इसमें मैंने पानी लिया है, मैं इसको फिर से पानी लगाऊंगी, पानी वाला हाथ लगाऊंगी ऐसे ऐसे, इसको यूं रखा नीचे, फिर से कट करूंगी मैं इसको सेंटर में और फिर से इसको इक्वल करूंगी ऐसे, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है कि एक बारी में सही नहीं बना है, तो कोई बात नहीं, अब इसके ऊपर हम रख कर देखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इधर नीचे हम लगाएंगे फेविकॉल, और ये मैं फेविकॉल एसएच लगा रही हूँ, एसएच जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है ना, तो ये मैंने यूं लगाया, देखो थोड़ा सा अलग से दिखाई देना चाहिए, और इसको मैं इसके साथ ब्लेंड कर दूंगी। अब आप बोलोगे कि रुकने की क्या जरूरत थी, ये काम तो हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम नहीं रुकते तो ये वाला जब हमारा गीला होता, तो जब हम प्रेशर लगाते तो ये खराब होने का डर रहता है ना। और अब इसको मैं इधर इसको मैं प्रेस करूंगी ऐसे, ताकि ये बैठ जाए, और ये मेरा अच्छे से बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी यहाँ पर और लगानी पड़ेगी, इक्वल नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, अब इसकी शॉर्ट्स इक्वल आ रही हैं, इस तरीके से किया और ये हमारा बैठ गया बॉय, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा बॉय,
अब हम बनाएंगे गर्ल। गर्ल बनाने के लिए हमें क्या करना है, अभी मैं इसको साइड पर रख देती हूँ, ठीक है। गर्ल बनाने के लिए अभी हमको ज्यादा कुछ भी नहीं करना। गर्ल बनाने के लिए हमें सिर्फ क्ले के साथ इन दोनों को नीचे लगाना है, क्योंकि हम इसकी स्कर्ट बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैंने उसके नीचे यहाँ पर फेविकॉल लगाया, और आप फेविकॉल देख सकते हो मैं कितनी सारी सारी लगा रही हूँ, बहुत सारी लगेगी। क्या इसके बाद मैंने यूं रखा, थोड़ा सा इधर और क्ले लगा देती हूँ, फेविकॉल लगाया इस तरीके से, और इसको मैंने यूं दबा दिया। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर देती हूँ, जो एक्स्ट्रा बाहर निकल रही है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। क्या इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको दबा देते हैं, थोड़ा सा इसको दबाकर इसको हम स्मूथ कर देते हैं इस तरीके से। यूं हो गया इस तरीके से, और इस तरीके से इसे दबाएंगे ताकि ये नीचे से ऐसा ले ले कि ये बैठ सके, नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो जाए। अगर ये फ्लैट नहीं होगा तो बैठने में रखने में बड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इधर भी मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लग रहा है, जो बॉय है देखो, बॉय का थोड़ा सा बाहर ऐसे निकल आया क्ले यहाँ पर, तो उस एक्स्ट्रा क्ले को हम कट कर देंगे, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि वो इसके साथ ही आए। ठीक है, यहाँ तक इजी, यहाँ तक हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाने हैं, अब हम बनाएंगे गर्ल की स्कर्ट। तो गर्ल की स्कर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने ली क्ले, और इसको हम इस तरीके से करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग हम इसको रोल कर लेंगे। इस तरीके से हमने रोल कर लिया इस तरीके से, थोड़ा दिखाऊं, ये इस तरीके से आया, और अब हम विद द हेल्प ऑफ सीजर्स इसको हम सीधा कट कर लेंगे। हमें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप चाहिए हमको, ठीक है, ऐसे। सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमें सिर्फ सीधा करने के लिए चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या करना है, ये हमारी गर्ल है ना, एक बार देख लेंगे, ये है, आ रहा है, ठीक है, इधर से ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फेविकॉल लगाएंगे, अब हम चारों तरफ हमने फेविकॉल लगाया, और इसको हमने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। मैंने आपको बोला था ना, इसका नीचे पे हमको कोई नीचे लगाने की जरूरत नहीं है हमको, और इसको हम यूं दबा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी का हाथ लगाया और इसको यूं दबा दिया, ठीक है, ये यूं हो गया। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कुछ और भी करना है तो
आप क्या कर सकते हो, आप पेंसिल लेकर आप इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फ्रिल बना सकते हो। ये इसकी फ्रिल बन गई। अपने हैंड को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो क्ले है वो बहुत क्लमजी हो जाती है। इस तरीके से ये हो गया। यहां तक हमारी लड़की बन गई और ये रहा हमारा लड़का। अब क्या मिसिंग है? अभी मिसिंग है इनके हैंड्स, इनकी आर्म्स, इनका फेस, इयर्स, सब कुछ इनके अभी मिसिंग है। अब हम लेंगे थोड़ी सी क्ले और लिया, और यूं तो ये मैंने देखा यहां पर इस तरीके से इसकी आर्म्स लगा दूंगी। इधर से मैंने किया और फेविकॉल लगाई यूं, और इसको मैं इस तरीके से कर दूंगी। ठीक है, अगेन थोड़ा सा पानी और स्मूदन हो गया, ये इसका पार्ट बन गया। अब हम दूसरा इक्वल पार्ट लेंगे, एक साइड को थोड़ा सा फ्लैट करेंगे इस तरीके से, इधर लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अगेन थोड़ा सा पानी का हाथ और इसको मैं स्मूथ कर दूंगी। ठीक है, लाइक दिस। तो मेरा मेरे अभी इधर देखना पड़ेगा, मैं भी कर कर दिखाती हूँ आपको। ओके, तो इधर इस तरीके से हम इनको नमस्ते भी करा सकते हैं। चलो इनको हम नमस्ते बना देते हैं। ये देखो मैंने क्या किया, तो मैंने दोनों हाथों को ज्वाइन करा दिया और ऐसे ये नमस्ते कर रहा है। इधर तक ये हो गया, इसको इधर रख देते हैं। ये अभी अभी हमारा फेस रहता है। अब सेम काम हम बॉय के लिए करेंगे। थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है क्ले। ठीक है, इक्वल लिया दो, अगेन वही लंबा किया हैंड की तरह, ये इधर से दबा दिया और थोड़ा सा देखा इस तरीके से, और इसको इसको भी हम नमस्ते कराएंगे, है ना। चलो इधर ये हो गया, फिर हम दूसरा भी बना लेते हैं, पहले इक्वल बना लेते हैं फिर उसके बाद करेंगे। ये हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, ये यू इक्वल हो गया। अब हम इधर लगाया हमने
फेविकॉल दोनों तरफ इधर की तरह, और एक मैंने यहाँ यूं लिया और एक मैंने यहाँ पर यूं लिया, इधर भी फेविकॉल लगाते हैं और इसको हमने करा दी नमस्ते। इधर मैं दोबारा से पानी का हाथ लिया और इसको शोल्डर्स के साथ हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉय का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी, ठीक है। यहां तक दोनों हो गए। अब हम बनाएंगे दोनों के ईयर्स, इनके कान भी तो बनाने हैं, है ना। तो हमने ली छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, और दो एक्स्ट्रा बॉल्स बना रहे हैं। अब ये किस लिए बना रहे हैं? ये हम बनाएंगे इनकी नोज। तो हम थ्री डॉट्स लगाते हैं, एक सेंटर में, एक साइड पे और दूसरी साइड पे, एक सेंटर पर, एक साइड पर और एक दूसरे साइड पर, ठीक है। तो ये तो मैंने लगा दी इन दोनों की नोज, ठीक है। अब एक इधर ईयर और एक इधर ईयर, ठीक है। एक इधर और एक इधर। अब ये पेंसिल ली और उससे एक होल कर दिया इसमें, ये पूरा ईयर का शेप ले लेगा। देखो मेरे पास टूल्स भी हैं, लेकिन मैं टूल्स से नहीं कर रही हूं क्योंकि सबके पास तो टूल्स नहीं होंगे ना। तो आपको दिखाने के लिए ये रहा, आपको टूल्स की जरूरत ही नहीं होती है, पता है, टूल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी चीजें घर पर ही होती हैं, जो अभी मैं हैंड क्लीन कर लूंगी साथ में, क्योंकि क्ले से हैंड बहुत गंदा हो जाता है। और अभी मेरे को इनके हेयर बनाने हैं, वो भी मैं क्ले से ही बनाऊंगी, तो किसी टूल्स की जरूरत नहीं होती है। हर चीज हमारे पास घर पर होती है। अगर आपके पास ज्यादा पेंसिल नहीं होती तो आप टूथपिक से भी ये वाले होल बना सकते थे, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लड़की के हेयर बनाते हैं। पहले ले लिया तरीके से किया और उसको फ्लैट करेंगे इस तरीके से, और एक बार मैं देखूंगी इसको, इसके सर पर आ तो रहा है लेकिन थोड़ा सा और फ्लैट करना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने फ्लैट किया, और क्योंकि पीछे से बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं तो पीछे से हम हेयर कट कर देंगे इसका। हमने हेयर कट कर दिया इसका, देखो कैसे बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं इस पूरे पर फेविकॉल लगाऊंगी। देखो मैं कहीं पर भी एमआर नहीं यूज कर रही हूं, मैं एसएच यूज कर रही हूँ, क्योंकि एसएच जो है, एसएच उसी वक्त पेस्ट हो जाता है। एमआर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है ज्यादा, तो उससे वो स्लिप करेगा, वो जगह
अपनी जगह पर नहीं लगेगा। अब मैंने इसको, अब मुझे देखना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से, तरीके से मैंने इसको के हेयर बना दिए, दिख रहे हैं आपको, है ना। और इसको हम न्यू दबा दिया, न्यू भी दबा दिया, थोड़ा सा पानी का हाथ लिया इस तरीके से। और देखो अभी मैं इसी क्रेडिट कार्ड से ही मैं इसके बालों में थोड़ा बहुत इस तरीके से मैं इम्प्रेशन बना दूंगी, जैसे हेयर के इम्प्रेशन होते हैं वो बना दूंगी मैं। आपके पास ये नहीं है, आप नाइफ से करो, आप कटर से करो, आप सिजर्स से करो, आप किसी भी चीज से इम्प्रेशन डाल सकते हो। और अगर आपके पास टूल्स हैं तो नथिंग लाइक दैट। मैं भी दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ आपको। मैं हेयर का इम्प्रेशन दे रही हूँ पीछे, इस तरीके से दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने हेयर बना दिए, ठीक है। हाँ, मेरे को दिख नहीं रही थी ना, तो थोड़ा सा नोज फ्लैट हो गई इसकी। ओके, इस तरीके से हो गई है। थोड़े से ईयर को भी मैं ठीक कर दूँ, थोड़े ज्यादा हो गए, दब गए मेरे से। ये अभी ड्राई होने के लिए अब मैं इसको रख दूंगी, अभी इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी फॉर वन होल डे। ये पूरा वन डे के लिए अभी ये ड्राई होगा, ठीक है। ऐसे अब आती है बॉय की बारी। बॉय के लिए भी मैं क्ले लेती हूँ अगेन, तो मैं रोटी की तरह करती हूँ। और इसको मैं यहाँ पर देखती हूँ, ओके आ रहा है यहाँ पर। तो इस रोटी पे मैं फेविकॉल लगा दूंगी, ठीक है। इस रोटी पे मैंने फेविकॉल लगाई और इसको मैंने, अच्छा मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्या हो क्या रहा है। तो इसके हेयर थोड़े से छोटे बनेंगे और थोड़ी सी कटिंग भी मांग रहे हैं। देखो हम बार्बर भी बन गए तो हमने कटिंग भी कर दी इसकी, इस तरीके से नहीं हो गया। हाँ इधर नहीं हुआ, ये चिपका नहीं है। तो इधर इसको मुझे और फेविकॉल लगा के इसके हैंड पेस्ट करने हैं, ठीक है। और अब इसके हेयर पर हल्का सा अगेन पानी का हाथ लगाकर हेयर कट कर देते हैं ना, अभी हेयर स्टाइल बना देते हैं इसका। Okay. तो ये हमने बना दिया इसका हेयर स्टाइल, लेकिन क्योंकि पेपर मैशी है तो इसका हमें साथ साथ में गीला करना पड़ेगा, अदरवाइज फिनिशिंग नहीं आएगी। okay. तो इस तरीके से ये हो गया, इस तरीके से। अब मैं इन दोनों को ड्राई होने के लिए रख दूंगी, ठीक है। मेरे को पूरा अभी
इसके लिए वेट करना पड़ेगा 1 whole day, क्योंकि पेपर मैशी है, पेपर मैशी टाइम लेता है। ठीक है, तो हम इसका कलरिंग जो है, ये भी हमारा रेडी जो हो चुका है, इसका कलरिंग हम लोग करेंगे कल। ठीक है, तो टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज डू शेयर। ठीक है, टिल देन बाय बाय।